कम्युनिज्म पर, सबसे पहली चीज इस पूरे गुरुकुल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। इसी से लोग हारते हैं, इसी से लोग बनते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कंसिस्टेंसी मतलब आपको 80% से ज्यादा रोज क्लास में रहना है। मतलब आप 20% छुट्टी कर देंगे तो मुझे उतना तकलीफ नहीं होगा, बट 80% से ज्यादा ही आपको क्लास के अंदर प्रेजेंट रहना है। ठीक है, ये सबसे पहला इस गुरुकुल का आपके रूल है। अगर आप 80% से कम अटेंडेंस रखते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो मैं उन लोग स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की संज्ञा में नहीं रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो विजिटर टाइप के लोग हो गए। ठीक है, तो ये कड़वा सच है, पहला सच बता दे रहा हूँ कि आपको क्या बोलते हैं, कैसे भी करके क्लास के अंदर आना है। कभी ऐसा हो गया कि क्लास नहीं आ पा रहा हूँ, 7 बजे, 7:10 पे आ रहा हूँ क्या, 7:30 पे आ रहा हूँ क्या, 8 बजे आ रहा हूँ क्या, एटलीस्ट यू आर बेटर देन द दैट पर्सन जो कि बिना किसी बात के क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, पहली चीज एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी कंडीशन में मुझे क्लास के अंदर आना है। ठीक है, नहीं आ पा रहा हूं 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, कुछ काम है, कभी ऐसा वर्स्ट कंडीशन हो गया, 1 घंटे के लिए आ रहा हूँ, आधे घंटे के लिए आ रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो चल रहा है क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो गए सबसे पहला जो रूल है जिसको मैं सपोर्ट करूंगा, वो वही लोग होंगे जो 80% से ऊपर अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। जो लोग उसके नीचे अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, फिर वो मेरे से सपोर्ट की गुंजाइश नहीं करेंगे। कैसे, किस तरीके की सपोर्ट, कहाँ ओपनिंग चल रही है, ठीक है मैं बताता हूँ सबको। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगा आपको, क्या वहां पूछ सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि सर आप बच्चों का रिज्यूमे दे दीजिए, कि जो अच्छी कंपनियां हो, तो मैं उन्हीं लोगों का रिज्यूमे देता हूँ कि जो मुझे लगता है कि यार ये रिलीवेंट कैंडिडेट है। ठीक, तो वो रिलीवेंट कैंडिडेट उसी 80% से ज्यादा अटेंडेंस वाले होंगे। ठीक है, ये फिक्स मान लीजिए। और एक गुरुकुल का आप तक का इतिहास बता दूं, जो कि लगभग 2 वर्ष का होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। जो भी लोग 80% से ज्यादा अटेंडेंस को मेंटेन किए हैं, उनमें से अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं दिखा जिसके पास जॉब ना हो। गाइस बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। जो लोग 80% से ज्यादा का अटेंडेंस मेंटेन किए हैं, आप किसी से भी गुरुकुल में काफी, क्योंकि आप ये आजकल तो डिजिटल मीडिया का युग है, तो भाई कई बच्चे आपके सीनियर्स भी होंगे, कई लोग आपके कनेक्शन में होंगे जहां से भी होंगे, उनसे बस इतना पूछना आपने गुरुकुल से क्लास लिया हुआ है, वो बोलेंगे यस मैंने लिया हुआ है। आप अगर पूछे जस्ट इतना पूछिए कि आप जॉब में हैं, वो बोलते हैं यस, तो आप समझ जाइए 80% से ऊपर है। बट आप अपने दिमाग को कंफर्म रखने के लिए अगर वो नो बोलते हैं, तो पूछिए आपकी अटेंडेंस कैसी थी, और अगर वो नहीं बता पाए तो बता दीजिएगा मैं रखता हूँ सबके अटेंडेंस का रिकॉर्ड। ठीक है, मैं सबके अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता हूँ, और जो लोग भी 80% से ज्यादा अटेंडेंस रखते हैं वो सब प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, लेकिन लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं और उसी से वो असफल हो जाते हैं। तो आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा आपका। ठीक है, टाइमिंग आप सबको पता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको 1.5 आवर्स की लाइव क्लास होगी, जो कि 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। अब ये लाइव क्लास फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा नहीं है कि 8:30 मतलब 8:30, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो 8:45 तक पूछ लो, क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर जैसे आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं 8:30 तक क्या करूंगा, अभी आपको मुझे बताना है सब चीजें, उसके बाद तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 1.25 वीक पर्याप्त है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा ही हमारा उस तरीके से नहीं रहता है कि नहीं इतना ही, ऐसे नहीं होता। टीचिंग इन द सेंस जो आपके दिल से निकले। ठीक है, तो मैं दिल से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस, जिससे कि आपको समझ में आए। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया, दैट इज दिमाग में सेट कर लो अभी से कि अटेंडेंस हमें 80% से ज्यादा मेंटेन करना है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, बस ये मेरे लिए कर दोगे, बाकी जितना भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर मेरा पैकेज मेरा ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, 80% ज्यादा अटेंडेंस दिखाओ बस। अब वो लोग सर अटेंडेंस मतलब सिर्फ आना है, नहीं आना नहीं है, यहाँ पर डेली आपको टास्क मिलेगा, एवरी डे टास्क होता है, चाहे छोटा सा ही टास्क होगा, आज भी टास्क है, जबकि आज कुछ नहीं है ना, इंट्रोडक्शन है, फिर भी आज टास्क है। तो
टास्क आपको एवरी डे अपना एक टास्क कंप्लीट करना है, छोटा बड़ा रहेगा लगभग। स्टार्टिंग में छोटा दूंगा जिससे कि जैसे लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, थोड़ा जल्दी ना हो, दिक्कत ना हो उनको। फिर 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपको स्पीड पे दे दूंगा काम, ठीक। फिर आप उस तरीके से मतलब डेली 2 घंटे का, हम माइंडसेट बना के चलते हैं कि 2 घंटे का काम आपके पास होना चाहिए। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग सेशन होनी चाहिए जो आप घर पे पढ़ते हैं, कभी भी पढ़िए, 2 घंटे का काम भी आप कभी भी करिए। जो 1.5 घंटे लाइव है वो आप यहाँ पर, मतलब टोटल 5 घंटे अगर आपने, अभी स्टार्टिंग में 5 घंटा नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में 4 घंटे में हो जाएगा आपका, 5 घंटे अगर आपने कंप्लीट अपने आप को डेडिकेट कर दिया गाइस, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा यार अभी मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी सीखोगे उसका एक एक्सेल सीट बनाया जाएगा कि day 1 पे क्या सीखा, day 2 पे क्या सीखा, आपको ही बनाना है, ठीक है। मैं फॉर्मेट दूंगा आपको, ठीक है, day 1 पे क्या सीखा, day 2 पे क्या सीखा, day 3 पे क्या सीखा, day 5 पे क्या सीखा। इस तरीके से करके जब आप 2 महीने बाद अपने आप को पीछे पलट के अपने एक्सेल सीट पे देखोगे, आप बोलोगे यार मतलब जैसे अभी अगर आप अभी अपने दिमाग में याद करो कि आपको क्या क्या आता है सिविल में, तो ज्यादा टॉपिक्स आपके माइंड में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन 2 महीने बाद इतनी ढेर सारी एक्सेल सीट जिसमें 60 टेबल भर जाएंगी, जिसमें नॉलेज 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 नॉलेज, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और 2 महीने बाद जब आप कंपेयर करेंगे किसी भी क्या बोलते हैं इंटरव्यू के को ऐसे रिलेटेड, तो आपको लगे यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है जो कि इस इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, और यही होगा। और 2 महीने बाद मैं खुद ही आपको बोलता हूँ कि अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे अभी मैंने नवंबर बैच को बोल दिया है नाउ यू कैन बी अप्लाई, ठीक है, अब उनका पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, अब वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। 3रा महीना 4था महीना अप्लाई करने में बिताओ विथ योर कंप्लीट होमवर्क, और जो लोग भी डेडिकेटेड होंगे आप बहुत जल्दी देखोगे आप में से ही सिलेक्शन का मैसेज आएगा। उन लोगों को बुरा लगेगा जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं रखेंगे, लेकिन उन लोग को अच्छा लगेगा जो लोग रेगुलर रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश रखिएगा, मैं आपको पहले सबसे पहला रूल क्या बताया हूँ गुरुकुल का, 80% अटेंडेंस, जिसमें 80% आपका असाइनमेंट भी होना चाहिए, ये नहीं कि असाइनमेंट्स नहीं हो रहा, अटेंडेंस मतलब सिर्फ शरीर से आ गए हैं, लॉग इन कर दिया आराम से कोई दिक्कत नहीं, नहीं, 80% अटेंडेंस और 80% आपको असाइनमेंट्स कब सकते। आप बोलो सर 100 आप क्यों नहीं बोल रहे हो, 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप ह्यूमन है, और ह्यूमन से भी ज्यादा आप जिस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके घर पे, कभी कोई जॉब में है, कभी कोई वो है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, कभी ना कभी हम बीमार हो जाते हैं, हम मतलब आप और हम दोनों, ठीक है, बीमार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ समस्या हम सबको हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये था बस रूल, इसके बाद आपको गुरुकुल में जो भी टास्क करना है गाइस वो टास्क को आपको क्या बोलते हैं मेल कर देना है। आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मेल करना है, जो भी आपके टास्क रहेंगे मेल करके आप हमको भेज देंगे, और फिर हम एवरी डे आपके मेल को चेक करेंगे कि आपने किस दिन क्या किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मेंबर है जिनका नाम है बादशाह खान, आई थिंक इन्होंने जब लॉग इन किया है तो वहाँ पर कंपेनियन मोड को ऑन कर दिया है, आप लेफ्ट करके फिर से आ जाओ और कंपेनियन मोड पे क्लिक मत करना, ठीक है, नहीं तो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारे रूल्स है। अब आप यहाँ पर हैंड रेज करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछो, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो मुझे आप सबसे बात ही करना है कि हम लोग किस कंडीशन पर है, हमें कितना हार्ड वर्क करना है, पूरा सब कुछ हम रिकॉर्ड रखेंगे, आपका ये भी रिकॉर्ड रखेंगे कि आप प्रीवियस में कैसे कैसे काम किए हो, तो उससे क्या होगा कि हमें ये भी आइडिया रहेगा कि आपके मॉक इंटरव्यूज में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि हर फ्राइडे या मंडे को, ठीक है, बताया नहीं जाएगा किस फ्राइडे या किस मंडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू मतलब यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सबको सामने से आंसर करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ पढ़ने के लिए, तो बेसिकली आप आराम से पढ़ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर व्हाई शुड आई हायर यू, या फिर ऑटोकैड की कौन सी कमांड्स, सब कुछ मतलब लगभग 80% से ज्यादा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सब गाइस वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ा दूंगा। तो आपका हर 15 दिन सॉरी हर हफ्ते आपका मॉक इंटरव्यू होगा, और हर एक 15 दिन पर एक टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा हो सकता है, टेस्ट रिटन भी हो सकता है, टेस्ट MCQ भी हो सकता है, और टेस्ट आपका क्या बोलते हैं कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, कोई एक टास्क दे दिया जाएगा, और एक फिक्स मिनट जिसको बोलते हैं टूल टेस्ट,
या फिर आपने सुना होंगे कैट टेस्ट, इस तरीके से आपका एक टेस्ट होता है जो कि हर 15 दिन पर होगा, ठीक है। हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू, 15 दिन पर कोई ना कोई एक टेस्ट होगा, ठीक है। वो 3 में से कोई भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके बैच की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जो हमें टास्क करना है गाइस, उसे हमें गुरुकुल की आईडी पर डेली भेजना है, डेली यहाँ पर चेक होगा, डेली आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। लास्ट बस एक ही चीज याद रखना, जिस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इस गुरुकुल की कह सकते हो न्यू है, जड़ है, वो एक चीज है, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि सारा रिजल्ट वहीं से आता है, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, तो आप जस्ट 2 मिनट के लिए अपना माइक ऑन करेंगे, और जैसे जैसे मैं नाम बोलूंगा उस हिसाब से अपना माइक ऑन करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देंगे। एंड दैट इंट्रोडक्शन इफ यू डू इन इंग्लिश, इट विल गेटर फॉर बेटर फॉर यू। यू कैन जस्ट से योर नेम एंड आफ्टर दैट यू पास आउट ईयर एंड इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस एंड डिड यू लर्न ऑटोकैड्स बिफोर दिस ट्रेनिंग्स कॉलेज में, या एक दिन या 5 दिन कभी ऐसे छोटा मोटा इंट्रोडक्शन लिया था क्या? जस्ट इतना सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। माई सेल्फ एक्स वाई जेड एंड आई पास आउट इन दिस ईयर एंड आई लर्न बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर, या फिर आई डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर नॉलेज, जो भी आपके पास है उस तरीके से, और कोई एक्सपीरियंस है तो आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके फॉर अ मिनट अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। कोई अगर नहीं इंग्लिश में अवेलेबल है तो हिंदी में देने का प्रयास कर लेगा, बट कोशिश करो कि इंग्लिश में दोगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्योंकि बीआईएम के अंदर कम्युनिकेशन के बिना सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत कड़वा सच है, ठीक है, पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इन बीआईएम यू रिक्वायर्ड बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि भाई ये जो बीआईएम है ये होती है एमएनसी कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा। तो जो एमएनसी कंपनी है उनके जो क्लाइंट होते हैं वो होते हैं फॉरेनर। तो फॉरेनर क्लाइंट्स, सपोज अभी जैसे कि मैं, मेरी कंपनी है, मान लो एक कंपनी है अभी बर्किन आर्किटेक्ट करके, वेस्ट बंगाल की है, उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बेल्जियम के हैं, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कॉल पर आएगी कि यू नीड टू प्रोवाइड दिस 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 सेक्शन बजट, ठीक है। अब उसको कौन अटेंड करेगा? आप अटेंड करेंगे, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो जब आप अटेंड करेंगे तो यू नीड टू नो द इंग्लिश सो दैट यू कैन टॉक विद देम बेटर, ठीक है। सपोज इन यहाँ पर अपने पुणे के अंदर भी बहुत सी कंपनी है, मुंबई में है, गुड़गांव में है, विच इज बेस्ड ऑन द यूएस। नाउ इफ यू आर टेकिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम यूएस, आप जो देखते हो ना इतने बड़े बड़े पैकेज, वो पैकेज पता है कैसे मिलता है? क्योंकि यूएस के प्रोजेक्ट जब आप इंडिया में करते हो तो अगर वो $20 पर आवर्स भी दे रहे हैं तो यहाँ की कंपनियों के लिए पर्याप्त अमाउंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको बीआईएम के अंदर पैकेज ज्यादा मिलता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है एमएनसी कंपनी, ठीक है। उनको जब डॉलर में मिल रहा है तो आपको जो पे करती है बहुत अच्छे क्वांटिटी में पे कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पे का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और बीआईएम के लिए तो मैंने पहले ही आपको कमिटमेंट कर रखा है, व्हाट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच दैट ओनली दे आर गोइंग टू आस्क, ठीक है। उसमें भी 80% मान लो, ठीक है, 20% क्यों नहीं, क्योंकि मान लो इंटरव्यू कुछ और पूछ ले, बट 80% से ज्यादा क्वेश्चन वही होंगे जो हम आपको ट्रेनिंग में बता देंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं, आप सब एडमिशन ले चुके हैं, आप सब एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, बनाने की पूरी गारंटी ले रहा हूँ, बस एक चीज आपसे मांग रहा हूँ, 80% अटेंडेंस या फिर उससे ज्यादा दे देंगे तो फिर आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट। इसी बहाने हम सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे, ठीक है। बाकी यार मैं अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद कुछ लोग तो पता ही होगा। मेरा नाम तो पता ही आपको, इंजीनियर आकाश पांडे, एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर इन बीम एंड स्ट्रक्चर्स बोथ फील्ड। तो मेरे साथ आपको फायदा क्या मिलेगा? मेरे पास स्ट्रक्चर्स और बीम का दोनों का नॉलेज है, एंड आई हैव माई ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी। वी प्रोवाइड द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर एस्टिमेशन, एवरी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक। हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिस ऑफ द ऑनलाइन ऑफलाइन वेयर यू रिक्वायर्ड इज डिपेंड ऑन दैट। एंड आई हैव अ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कॉन्टेक्ट, मेरे पास काफी कंपनियों के कॉन्टेक्ट है,
वॉट दे रिक्वायर्ड आई नो वेरी वेल बिकॉज आई रेगुलरली बेसिस डिस्कस विद देम कि वॉट दे आर आस्किंग, वॉट दे आर आस्किंग, तो आई नो कि क्या वो पूछ रहे हैं। जो भी कुछ नया पूछने की कोशिश करेंगे वो भी हम आपके ट्रेनिंग में ऐड कर देंगे। दिस इज व्हाई, बिकॉज आई एम अ पैशनेट टीचर, ठीक है, बहुत पैशन से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, बहुत मन लगा के पढ़ाऊंगा। पूरे इस 4 महीने में आपको ये नहीं महसूस होगा कि सर टाइम देख के आते हैं। हाँ आऊंगा टाइम देख के, बट जाऊंगा टॉपिक देख के, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करता है कि टाइमिंग या फिर मंडे टू फ्राइडे ही नहीं, कभी जरूरत पड़ी मैं सैटरडे को भी क्लास ले लूंगा, कभी जरूरत पड़ी मैं संडे को भी क्लास ले लूंगा, कभी मेरी आवश्यकता पड़ी मैं बीच में क्लास मिस भी कर दूंगा। बट ये कैसे हो गया कि मैं कोई वो स्टैचू टाइप इंसान नहीं, हम लोग पेशेंस के साथ, मजे के साथ, और क्या बोलते हैं, 4 महीने पूरी जर्नी को लाजवाब तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जी, एक बार डिस्कस कर लिया जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर अभिषेक कुमार। अभिषेक, जस्ट गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लाइक योर नेम, पास आउट ईयर एंड योर स्किल्स, इफ यू हैव एनी स्किल्स एंड एनी एक्सपीरियंस, तो वी कैन जस्ट से द एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अभिषेक कुमार. आई कंप्लीट माई डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन लास्ट ईयर. ओके आई एंड डोंट हैव एक्सपीरियंस. ओके एनी सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन यू हैव? यस सर, आई हैव अ लर्न ऑटो कैड. ऑटोकैड, ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक, दैट्स इट। ओके, दिस इज राज, अभास राज, इफ आई हैव प्रोनाउंस द रॉन्ग तो दिल पे मत ले लेना, क्योंकि जितना यहाँ पे जैसा मुझे समझ आया, कई लोग का गूगल मीट पर नाम अलग रहता है। अभास राज, आदित्य काले, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी आवाज, जस्ट अ मिनट वेट कर लीजिए, आदित्य के बाद आपका करते हैं। यस आदित्य। सर, माय नेम इज आदित्य काली. माय बैचलर डिग्री लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया सर. ओके सॉफ्टवेयर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर. बेसिकली अ वीटेक होल्डर, राइट? यस एंड यस सर. फ्रॉम लास्ट ईयर टू टिल नाउ व्हाट यू डिड? सॉरी सर, मैं मीन्स 22 से जब पास आउट हुए हो तब से अभी तक क्या किए हो? कुछ नहीं सर, अच्छा, जॉब सर्च कर रहा था. हाँ, बट अच्छी जॉब नहीं मिली कुल मिलाकर अभी तक, ठीक है। यस सर. अब देखो तुम्हारे पास क्या है आदित्य, तुम बहुत लकी हो। कैसे? तुम्हारे पास पूरा दिन है, ठीक है, यस सर. तुम हार्डवर्क करने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम दबा के हार्डवर्क कर सकते हो। और अगर कर दिए, मेरा कमिटमेंट है, 2 महीने के बाद तुम्हें रिस्पॉन्स दिखेगा, ठीक है। ओके ओके, चलो आभास राज। सर, माय नेम इज आभास. आई डिड माय बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2015. आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस. आई डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, सो यू हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस इन विच इंडस्ट्री साइड? 2 इयर्स एक्सपीरियंस सर. 2 years, या इन विच इंडस्ट्री? इफ आई सर रिलेटेड टू इरिगेशन वर्क. इरिगेशन, यस. ओके, नो शो, ठीक है। अब इसमें आवाज क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रीजन, यू हैव अस लाइक योर 2 year पास आउट ईयर 15, फ्रॉम दैट यू जस्ट हैव अ 2 year एक्सपीरियंस आल्सो, तब आपको अच्छा पैकेज अचीव करना पड़ेगा, राइट। एज अ यस. फ्रेशर आपको कुछ भी मिल जाए तो चल देगा, बट आप अभी एक्सपीरियंस हो, प्लस आपका कैरियर गैप बहुत बड़ा है, आपको दिख ही रहा है ना, तो आपको अपने टैलेंट से इन चीजों को भर देना है। आप ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करना, तभी आपका काम बेटर होगा बस, ठीक है। ठीक. ओके जी, अनूप, मिस्टर अनूप कुमार, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ अनुप कुमार पात्रो. आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2013. आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन साइट्स लाइक बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ओके एंड माय सॉफ्टवेयर स्किल लिटिल बिट ऑन ऑटोकैड और वर्किंग ऑन ऑटोकैड. लिटिल बिट ऑटो करना, यस. नो इशू, ओके, थैंक यू सो मच अनुप। नाउ मिस्टर अर्नब, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी। माय नेम इज अर्णव चक्रवर्ती. आई एम फ्रॉम बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड माय पास आउट ईयर इज 2019 एंड आई हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 4+ इयर्स इन इंटीरियर फिट आउट सेक्टर.
and I know AutoCAD, Revit as well. You are my old student also, right? Yes, sir. I learned from your recorded class also. Yes, yes, yes. Got it. Thank you, Arnab. Okay. Now, Mr. Arun Zaini. Arun? Hello. Yes, Arun. Hello. Good morning, sir. Good morning, ji. Myself, Arun Zaini, sir. Okay. I'm Haryana, sir, and I completed my B.Tech in 2020, sir, and after that I have 3 years experience in RCC, sir. RCC. Yes, sir. Exactly, what's your work? Sir, as a site engineer and as a quality engineer. Site engineer. Okay. Do you have any software prior knowledge? Yes, sir. AutoCAD. AutoCAD. Okay, thank you, Arun. Now, Mr. Basa Khan. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, Basa. Ji, sir. My name is Basa Khan. Okay. And, sir, my passout year is 2021, sir. 21st. Ji, I'm also diploma and B.Tech, sir. Good. And after that? And then after that, I'm joining CAD class. Okay. The AutoCAD and 3D Max. Okay, AutoCAD and 3D Max, you know, right? Yeah. Yes. Yeah. Okay. That's it. And you from? I'm from Bihar, sir. Okay. Good. Thank you. Now, Mr. Irfan Mohammed. Mr. Irfan. Yeah, very good morning, sir. Very good morning, ji. Sir, this is Mohammed Irfan. Actually, I'm from Hyderabad. So I completed my graduation in 2015 as a civil engineer, sir, and I have experience in construction sectors, same as in AutoCAD also, and I can draw in different type of drawings in AutoCAD. Then I will go to the site to execution with my communication skills in Hindi, Telugu, overall 5 to 6 languages I can understand in my AutoCAD sectors and construction sectors. I just communicate with my clients and workers also with different type of communications, and I started my own business as a freelancer still in 2019, I think. So due to pandemic season, there is no job provision, so I want to started my freelancer projects in interior sectors and construction sectors. Then after I completed my SketchUp and 3ds Max softwares and YouTube also, sir. No, you know, any kind of softwares in institutions. So I have no time to go to institutions, so I want to learn in YouTube also. Okay. I have basically, knowledge in Revit also. Basically AutoCAD and Revit, you know, right? And your pass out year, yeah. You said? 2015, sir. 15. Yeah. So you have a proper experience of how many years? Is company? Yeah, I have 7 years of experience I have, sir. 7 years. Yeah. अभी हमने इसे freelancing word use किया, interview max use नहीं करेंगे इस word को, ठीक है? Yes, sir. Yeah. Because they don't want to do the person who's from the freelancing industries. Okay. Sure. Okay. Thank you. Now, Mr. Thank you. Thank okay, you. जी. Now, Mr. Jatin. Jatin Gupta. Good morning, sir. Good morning, जी. Sir, my name is Jatin Gupta. Pursued Bachelor of Architecture in the year 2023. Then I have many software knowledge like AutoCAD, SketchUp, Revit, etc. And I have 6 months of internship experience in architecture field. 6 months. Yes. Okay. Where? From Mumbai. From Mumbai. Okay, great. Thank you, Jatin. Now, Mathli. Good morning, sir. Good. Yeah. My pass out year is for me is 2016, 2019. I passed out my master's, sir. Last year was I was working for Goa University as junior engineer. Previous to that, in my parents' firm only, contractors' firm, so it was. So maybe 1.5 years. So okay. Basically, took
3.5 years experience, sir. 3.5 year experience. How you just mentioned, like in a company, three point As five year. contractor sponsor, so it is Okay. billing and as Okay, so basically you're a huh. junior engineer there from Yes, sir. last 3.5 years. And no, sir. Goa University, I worked only for 1 year. One year, 3 months. So now it was on contract basis, sir. Now I'm without job. Okay, right now you're not doing job. Okay, and like your pass out is Yes. 19, and like you have a basic knowledge of AutoCAD. Somewhere you ask was like know about the AutoCAD. Yes. Okay, great. And you from? Yes, sir. I know what to Okay, you from Goa. Goa. Okay, thank you, Bethel. Goa, sir. Goa. Okay, got it. Goa. Yes, sir. Okay, thank you. Yes. You want to say something? कुछ और बोलना चाह रहे हो क्या? Yeah, nothing, sir. Means ओके आई एम जस्ट अ न्यू मॉम, सो यस यस सर, ओके मीन्स न्यू मॉम, सो यस मेरा आई जॉब चला गया था, बस ओके वन कॉन्ट्रैक्ट. नो इशू यू विल गेट द वेरी इजली यू कैन गेट बिकॉज 19 टू टिल नाउ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो नॉट वरी ओवर दैट ओके ओके नाउ मनोज थैंक यू मतलब गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी. यस मनोज. माय नेम इज मनोज कुमार. आई हैव पास्ड बीटेक इन 2016 एंड एमटेक इन 2023. राइट नाउ आई एम हैविंग जॉब ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 4 इयर्स इन एज अ साइट इंजीनियर. आई एम फ्रॉम ओरिसा. From Orissa, and like you have any software introductions? Sir, somewhat knowledge of AutoCAD, sir. Yes. Thank you, Manoj. Thank you, sir. Thank you, Now, Mr. Mudassir Noor. sir. Good morning, sir. Good morning. My name is Mudassir Noor. Basically, I am from Darbhanga, Bihar. I did my bachelor's in 2021. I worked on site as a site engineer for 1 year. I have prior knowledge of AutoCAD and Revit, just an overview during my academics, and that's it, sir. So you have a right now 2 year experience? No, sir, for 1 year. After that, I was involved in some government exams. Okay, thank you. Now, Nanhi. Nanhi Sandra. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी. यस नन्हे माय नेम इज नन्हे सन्राट यस फ्रॉम सुपौल बिहार. आई एम पास्ट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2014. देन आफ्टर आई ज्वाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी. आफ्टर देन आई बीटेक पास्ट इन 2023. And any software knowledge? नो सर. ओके. एंड यू आर लाइक 14 to 23, इसके बीच में जो जॉब किया मींस यू स्टार्टेड योर मास्टर बीटेक व्हेन? सर मैंने 14 से 2020 मार्च तक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया एज अ साइट इंजीनियर. एज अ साइट इंजीनियर. ओके, सो यू आर बेसिकली साइट इंजीनियर एक्सपीरियंस. यस सर. अभी तो नहीं कुछ कर रहे हो ना? नहीं सर. ओके गुड. चले थैंक यू. मैंने निखिल मिस्टर निखिल. हाँ यस सर. गुड मॉर्निंग सर. सर गुड मॉर्निंग जी. माय नेम इज निखिल शुदे. आई एम फ्रॉम जलगांव. सर आई हैव बीन वर्किंग विथ मेनी मेनी कंपनीज, स्मॉल स्मॉल स्केल कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो. आई हैव बीन वर्किंग. आई हैव सर 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. आई हैव वर्क रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. नाउ आई एम वर्किंग विथ अर्को रियल्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पुणे एज अ साइट इंजीनियर. ओके, सो बेसिकली यू पास आउट ईयर माई पास आउट ईयर्स इज 2016. 16. तो यस टोटल सर. आई थिंक यू हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस. यस सर. यस सर. 6 ईयर आई एंड हैव अ बेसिक ऑटोकैड नॉलेज सर. ओके थैंक यू निखिल. नाउ मिस्टर निखिल बीटी. दो निखिल हैं मुझे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी.
Yes, Nikhil. My name is Nikhil. I'm a 2020 and pass out in BTech. Currently, I'm working as a site engineer in a builder company. Site engineer, okay. In Bangalore. From last in Bangalore. Bangalore. From last. Yeah. When? I have 1.5 years of experience. 1.5 year experience. Okay, great. And I have basics skills in AutoCAD. Okay, basics or knowledge of AutoCAD you have. Good. Okay, thank you, Nikhil. Now, next is Nisha Kumari. Hello, sir. Hello. Good morning. Good morning. Sir, I am Nisha Kumari. Basically, I am from Jharkhand, but currently I am in Delhi. I have completed my diploma in 2019. And after that, the Corona comes. And on that time, I joined a Toll Plaza company. They were doing consultant and a consultancy service. So as a junior designer, I work on AutoCAD. And after 1.5 year, I again changed the company that belongs from telecom industry. So there I also worked as a draftsman. And at the same time, I tried to learn STAT also. And then I changed a company. Currently, I'm working with them. It's a solar industry, which is a Finland Solutions. Okay. So right now you are working in that company, right? Yes, sir. Okay. Thank you. Good, Lisa. Now, Nitin Kumar. Good morning, sir. Good morning, ji. Myself, Nitin Kumar. I belong Shamli, Uttar Pradesh. I completed diploma civil engineer 2018. I have 4 year 3D model job experience. Knowledge softwares are AutoCAD or Max. So basically, working on AutoCAD and Max, right? हाँ जी सर ऑटोकैड पे वर्क हो रहा है सर ज्यादा ओके गुड ओके थैंक यू ओके नाउ मिस्टर ओम प्रकाश हेलो गुड मॉर्निंग सर बाहर हो क्या ओम प्रकाश यू आर आउटसाइड सर यो यस सर ओके बाद में तुम बता दो ठीक है मुझे तो पता है तुम्हारे बारे में यार ऑफ घर घर आवाज आ रही है ओम प्रकाश ओल्ड स्टूडेंट है मुझे पता है नितिन को भी मैं जानता हूँ बट मैं आप लोग के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन इसलिए ले रहा हूँ सो दैट यू कैन नो यहाँ पर ऋषभ भी है इनको भी मैं जानता हूँ कई लोग को मैं जानता हूँ ऑलरेडी बट आई जस्ट वॉन्ट कि आप सभी जाने एक दूसरे को तो अच्छा लगेगा मैं यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को लिखता हूँ गाइस सबसे पहले तो उससे लिखने से क्या होता है हमें पता रहता है किसके पास कितना एक्सपीरियंस है किसको कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उसी हिसाब से मेरे तरफ से आपको डांट भी जाएगा तो डांट इसलिए जाएगा जिससे आप बन जाए ठीक है क्योंकि जिसका जितना ज्यादा कैरियर गैप है उसको ज्यादा टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आपका ट्रेनिंग ही बीट कर पाएगा आपके गैप वगैरह से वही लड़ाई करेगा आपके गैप वगैरह से तो इसलिए रेडी रहिएगा जितना गैप उतना ज्यादा हार्ड वर्क ठीक है और नाउ मिस्टर परवेज गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जी Myself, Parvesh Pathan. Okay. I am from Gujarat. I have completed my diploma in civil engineering as well as degree in civil engineering in 2018. Okay. I have 4 years experience as an industrial site engineer. Okay. Any software basic knowledge you have? I have done AutoCAD in 2018, but I have never used. You just forget that. Yeah. Okay. Thank you. Now, Prerna, if possible, do on your mic, please. Hello. Yes, Prerna. Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Myself, Prerna Bhagavatar. I'm from Nagpur. I'm completed diploma in just last year, 2023. From where? Nagpur. Nagpur means which college? Vainganga College. Okay, good. And 2000? 23. Okay. And you have don't have experience, and you have basic knowledge of any softwares? No. सिखाया तो जाता है कॉलेज में थोड़ा बहुत तो.
नहीं, आपके कॉलेज से? डायरेक्ट सेकेंड ईयर था। ओके ओके, बेसिकली मैंने भी आपके कॉलेज में सिखाया हुआ है, बट आई डोंट नो किसको कौन सी बैच में सिखाया है, बट मैं कभी कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपके कॉलेज को भी ट्रेन किया हूँ। ओके नो इशू। राकेश, थैंक यू राकेश। राकेश ओके, मे बी इज नॉट अवेलेबल नाउ, तो लेट्स कम विथ रिंकू। परिदा, रिंकू, परिदा, परिदा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर माय सेल्फ दिलीप कुमार परिदा, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके। एंड आई डिड कंप्लीट माय डिप्लोमा इन 2020 एंड आई हैव अ I have an experience in as a site engineer, 1 year experience, and I have a basic AutoCAD knowledge. Okay, so right now your profile is? I'm 1 year experience in site engineer, as a site engineer. Site engineer. Thank you. Ms. Dilip, aapka ghar ka naam lagta hai Rinku, hai na? Yes, sir. Chalega. Okay, now Mr. Sir, mera Devashish ka dost hoon, sir. अच्छा, वो जो देवाशीष नंदा उड़ीसा का है। हाँ समझ गया देवाशीष जी। ओके थैंक यू दिलीप। नाउ मिस्टर ऋषभ रंजन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। यस ऋषभ, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। सर माय सेल्फ ऋषभ रंजन, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, आई करंटली पास आउट डिप्लोमा इन 2023। ओके। Yes, sir. Oh, and you have any software knowledge? Because you are not yes, sir. I have two software knowledge, AutoCAD and Revit. Okay, AutoCAD and Revit, basic knowledge. Sir, I am old student of Gurukul batch. Yes, पता है मुझे। मेरी मेमोरी तो अगर sir, due to some reasons, I yes, sir. मेरी मेमोरी तो जानते हो कितना strong होती है, मुझे कभी कुछ होता नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। Okay, Rishika. ऋषिका घोष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आई एम ऋषिका घोष, आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2023। आई डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर नॉलेज। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनी इंजीनियर फ्रॉम बिल्डर्स कंपनी सिंस जुलाई 2023। ओके, यू फ्रॉम झारखंड? झारखंड। एंड राइट नाउ वर्किंग इन द सेम प्लेस? नो नो, आई एम वर्किंग फ्रॉम गुजरात। ओके, सूरत। ओके ग्रेट, थैंक यू ऋषि। नाउ सैफ इज इन द ट्रेन, सो हम इनसे बाद में बात करेंगे। सौरभ कुमार, मिस्टर सौरभ कुमार। सौरभ मे बी इज नॉट अवेलेबल, देन सौरभ पाल। यस पाल जी बताइए। सौरभ पाल आवाज नहीं आ रही दोस्त, शायद कुछ हो सकता है, इनका माइक ऑन है बट आवाज अपने को नहीं आ रही। सिद्धेश्वर, सौरभ। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ सौरभ कुमार, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। नाउ आई एम परसुइंग माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। नाउ आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। बिफोर दैट आई हैव डन माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2020 from Government Polytechnic Bajpur. I have solid knowledge about the AutoCAD, but I am not abhi matlab currently wo practice mein nahi hai, 2019 mein kya tha, correct, that now I am bas. Okay, okay, got it, thank you Saurabh. Now Mr. Siddheshwar Kumar, sorry Siddheshwar, yes Siddheshwar. Good morning sir. Good morning ji. Myself Siddheshwar Bosep Kawe, I'm from Pune. Okay. I complete my BE degree last year, 2023. तो अभी तो कुछ ज़्यादा सीखा नहीं होगा? नहीं सर, फ्रेशर हूँ। फ्रेशर, ओके, ओके, नो सर। सोहेल जी, मिस्टर सोहेल खान, ओके जी, सोहेल खान। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। Myself Sohil Khan, I am from Satara, Maharashtra. I have completed my bachelor's in 2020 from Shivaji University.
I have experience of 2.5 years in construction industry as a site engineer, and I have basic knowledge of AutoCAD and Revit architecture. Okay, great. Thank you so much, Sohail. This was nice to talk with you. Okay, जी. चलिए एक just a minute छोटा समझे एक minute का gap दीजिएगा guys. क्या बोलते हैं शायद मेरे कोई नल का टैप खुला हुआ है मैं ऑफ करके आता हूँ just a minute. चलिए जी तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शंस हमारे क्यों जरूरी होते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी कितना हार्ड वर्क करना है हम लोग के पास जो नॉलेज है उसको कैसे यूज करना है आपका पूरा एक्सपीरियंस जो पुराना आप लोगों ने किया हुआ है सब कुछ ऐड हो सकता है अगर आप अभी करेंट वाली ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ठीक है अब आपके पास कई ढेर सारे डाउट्स होंगे ठीक है तो उन डाउट्स को भी अभी हम लोग लेंगे कि आपके जो भी प्रश्न होंगे पूछ लीजिएगा अभी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपको मैं बेसिक्स क्योंकि कई लोगों के बेसिक्स वीक हो गए होंगे ठीक है तो मैं बेसिक्स की कुछ पीपीटीज दूंगा आपको उन पीपीटीज को आपको पढ़ना है ठीक है सैटरडे संडे में क्या करेंगे आप लोग बेसिक्स की पीपीटीज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं बेसिकली तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मतलब कवर कॉलम में कितना प्रोवाइड करेंगे M20 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा क्योंकि एट द लास्ट आप सिविल इंजीनियर तो हो ही ठीक है सीमेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉलम के कितने टाइप्स होते हैं बीम के कितने टाइप्स होते हैं इनका नॉलेज एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास होना चाहिए तो मैं ट्रेनिंग में बीआईएम तो सिखाऊंगा ही बट बीआईएम का जो बेस है सिविल इंजीनियरिंग जहां से बीआईएम स्टार्ट हुआ है ठीक है क्योंकि अगर आप स्वाभाविक सी बात है अगर बिल्डिंग्स का कुछ भी कर रहे तो आप कौन कौन सी प्रोफाइल में जा सकते हैं ठीक है आप लोग जा सकते हैं बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल पर बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पर अभी जो आपकी कंडीशन बनने वाली है मींस जो जॉब आपकी लगने वाली है या तो बीम मॉड्यूलर के तौर पे लगेगी या फिर बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे लगेगी या फिर बीम टेक्नीशियन की प्रोफाइल पे लगेगी या फिर आपकी क्या बोलते हैं बीम इंजीनियर की प्रोफाइल पे लगेगी इन्हीं चार प्रोफाइल में से कोई एक प्रोफाइल में आपकी जॉब लगेगी चाहे बीम आर्किटेक्ट हो चाहे बीम मॉड्यूलर हो दोनों के लिए सिमिलर नॉलेज चाहिए क्या आप किस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे बीम से कॉलम से फुटिंग से स्लैब से और स्टेयर केस से तो इनसे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए इनके टाइप्स कॉलम के टाइप्स बेस्ड ऑन शेप कौन कौन से टाइप है बेस्ड ऑन लोडिंग कौन कौन से टाइप्स है सपोर्ट्स कौन कौन से जरूरत होते हैं ठीक है लोड कौन कौन से लगते हैं तो इनका हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए सो दैट कि हम अपने ट्रेनिंग में जब इंटरव्यू दे सब मीन्स जब आपका मॉक इंटरव्यू हो या फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू हो तो लगे कि हाँ यार बेसिक्स तो जो पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है मेरे लिए तो मैं आपको कुछ बेसिक्स दूंगा जिसको आप घर से पढ़ के आएंगे मैं ऐसा नहीं कि मैं मंडे को पूछ ही लूंगा उसको हम लोग पूछेंगे जब आपका मॉक होगा अगर मंडे को मॉक हुआ तो बट अभी जनरली कैसे होगा कि अभी आपको मंडे को मॉक नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ सिखाया ही नहीं तो मॉक में आप क्या प्रेजेंट करोगे तो बेटर भी ये होगा कि मंडे की जगह पर आपका मॉक होगा फ्राइडे को ठीक है आपको मंडे को लर्निंग होगी मतलब क्लास होगी आपकी और मंडे से ही आपकी मेन क्लास होगी जो कि गूगल मीट पे नहीं होगी गूगल मीट तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन की आप में से कौन क्या किया हुआ है मुझे पता होना चाहिए मैं लिख के रखता हूँ ठीक है तो ठीक है सर रखिए मंडे को नहीं ऐसा नहीं होता जब हम आपको सिखा देंगे तब पूछेंगे निखिल तब आपको भी अच्छा लगेगा ना कि हमने आपको सिखा दिया फिर पूछा तो मैं कुछ अभी आपको सिखाया नहीं तो मैं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ठीक है तो यही तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपकी जो क्लास चलेगी गाइस वो क्लास चलेगी एक स्किल्स गुरुकुल मतलब आपकी जो स्किल्स गुरुकुल की वेबसाइट है उसका लिंक आपको दोपहर तक में आ जाएगा ठीक है जिस लिंक पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे वहां पर आपकी लाइव क्लास चलेगी ठीक है जो कि जूम मीटिंग से कनेक्टेड होगा और उसके बाद जो आपका रिकॉर्डिंग क्लास आपको वॉच करना रहेगा वो यूनिक सिविल ऐप में ठीक है आपका जो यूनिक सिविल ऐप है उसमें बीआईएम का एक सेपरेट वीडियो कोर्स है ठीक है तो वहां से आपको रिकॉर्डिंग वॉच करना है लाइव क्लास आपकी स्किल्स गुरुकुल की वेबसाइट पर चलेगी जिसका लिंक आपको दोपहर में आ जाएगा और एवरीडे आपको क्लास से पहले ही 10 मिनट पहले ही लिंक आ जाएगा कि भाई इस लिंक से ज्वाइन करके आप क्लास है उसमें बेनिफिट क्या रहता है गाइस आपको कुछ प्रॉब्लम है आप स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो ठीक है तो उसमें कई ढेर सारे बेनिफिट्स हैं अदरवाइज हम लोग यूनिक सिविल ऐप पे भी क्लास लेते हैं
बट अभी यूनिक्स सिविल अप्लाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना है कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है या फिर कुछ आप कमांड चला रहे हो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे पूछोगे। तो उसमें स्क्रीन शेयर करके भी आप पूछ सकते हो, वो एक बेनिफिट रहता है। आपको टास्क आज क्या करना है, क्योंकि टास्क तो यहाँ पर एवरी डे करना होता है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की दो पीपीटी आएंगी, एक में कॉलम बीम वगैरह के बारे में रहेगा, में बेसिक्स रहेगा, ठीक है, उनको तो पढ़ना ही है। उसके बाद आपको ड्राइंग्स बनाना है, और आज की ड्राइंग इतनी आसान है कि कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको यूनिक्स सिविल ऐप में ऑटो कैड का लेक्चर नंबर वन, ठीक है, क्या करना है, बीआईएम का जो वीडियो कोर्स उसके अंदर ऑटो कैड में लेक्चर नंबर वन को वॉच करना है, और वॉच करके एक छोटा सा टास्क करना है, बहुत छोटा सा, क्या है, चलिए दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं बना पाएंगे तो भी टेंशन नहीं लेना है, हम बताएंगे, बट पहले आपको प्रयास करना है। ये आपकी लेवल वॉल की ट्रेनिंग है, जो कि लगभग 15 दिन से 20 दिन के बीच में चलती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा, नहीं तो 20 दिन लगेगा लेवल वन को कंप्लीट होने में। लेवल वन का मतलब है ऑटो कैड और उससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अपने पास केवल ऑटो कैड, नहीं, ऑटो कैड के बाद उससे रिलेटेड सारी चीजें। तो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बनाना है, जो कि बहुत सिंपल सी ड्राइंग है। ये वर्कबुक आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। उस वर्कबुक में आपको ये बनाना है। अब कई लोगों ने ऑटोकैड सीखा होगा, कई लोगों ने नहीं सीखा होगा, अब इसमें कुछ नहीं है। ऑटोकैड के अंदर जस्ट लाइन कमांड पर क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करके ऐसे प्लेस कर देना है। तो ये बनाना है गाइस, ये बनाना है और ये बनाना है, बस सिविल वर्कबुक में ये तीन ड्राइंग बनाना है, एक दो और तीन। अब बोलो सर इतनी छोटे छोटे ड्राइंग, यस, ठीक है। तो आपको अभी स्टार्टिंग में केवल यही तीन ड्राइंग्स बनानी है, ये सिविल कैड में। इसके अलावा हम आपको मैकेनिकल कैड की भी प्रैक्टिस कराते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है कि आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड में जा रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रांग विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके पर्सपेक्टिव से। इसमें तो आगे काफी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, अभी तो वो आसान है। ये बनाना है, ये बनाना है, ये बना लेंगे और ये बनाना है। तो टोटल आपको चार ड्राइंग ये बनाना है और तीन ड्राइंग ये, सेवन ड्राइंग्स बनाना है। इन ड्राइंग्स को बना के हमको मेल करना है। कहाँ मेल करना है गाइस, यहाँ पर आएंगे और ये हमारा मेल आईडी रहेगा, जो कि आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। इस मेल आईडी पर भेजना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भेजना ऐसे है गाइस, जैसे आपके सीनियर्स देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम नवंबर 23। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम नवंबर 23, और उसके बाद असाइनमेंट्स वन, असाइनमेंट्स टू, असाइनमेंट्स थ्री। बट असाइनमेंट्स का नाम जो रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर से हमें से कोई भी सीनियर होंगे आपके, तो वो अपने नाम से भेजे रहेंगे फाइल को। अब देखिए इनका नाम है वजाहत अली, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, ये स्ट्रक्चर वैसे है, तो आपको लिखना है सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम जैन 24 बैच, आपको ये लिखना है, ठीक है। और उस बैच में जब लिखेंगे, तो आप जो ऑटो कैड में बनाएंगे फाइल को, उसका नाम फाइल का देंगे ऑटो कैड असाइनमेंट्स वन, सॉरी आपका नाम सपोज है सौरभ, तो सौरभ असाइनमेंट्स वन, सौरभ असाइनमेंट्स टू, सौरभ असाइनमेंट्स थ्री। इस तरीके से आपको अपने ऑटो कैड के फाइल का नाम देना है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वजाहत असाइनमेंट्स 4, मतलब इनका चौथा असाइनमेंट है ईटीएफ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मुझे ये आइडिया हो गया, और इन्हें भी आइडिया हो गया कि हमने कितना प्रोजेक्ट अभी तक में कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ऐसे ही आपको भी नियम से, देखिए अमनप्रीत है, और इसके बाद है जितने भी लोगों ने दिया हुआ, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया, प्रथमेश ने सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम नवंबर 23, आपको याद नहीं रखना, मैं ये आपको भेज दूंगा टाइटल और ईमेल आईडी भेज दूंगा। और यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा प्रथमेश होटल प्रोजेक्ट, तो मतलब इनका एक होटल का प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया हुआ है बीम के अंदर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपके सीनियर्स किस लेवल पे बनाते हैं, तो आपको छोटा सा चलिए ट्रेलर ही दिखा देता हूँ। तो ये आपके सीनियर है जो अभी करेंट में रेविट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, अभी जस्ट उनका रेविट आर्किटेक्चर कंप्लीट होने पर आया है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बना के अपने फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। देखिए रेविट तो आपने भी बहुत सीखे होंगे, लेकिन जिस लेवल पे अपने गुरुकुल में सीखा जाता है वो लेवल का ट्रेलर देखिए आप। ये आप रेविट भी बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, जैसे ऑटो कैड कंप्लीट होगा फिर हम लोग रेविट के ऊपर जाएंगे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके सीनियर का काम आपको
अच्छा लगा या फिर ओके लगा, जैसा भी लगा, लिस्ट में कोई ऐसे नाम सामने आ गया तो ओपन कर दिया। रेविट की फाइलें हैवी होती है तो गैस स्टेक टाइम। और रेविट ऑटो कैड में आप 16 से लेके 20 तक का कोई भी वर्जन यूज करेंगे, सारे अच्छे। तो आप कोई भी अगर आपके पास वर्जन है तो नॉट रिक्वायर्ड टू अनइंस्टॉल, बट हाँ 16 के पहले के हैं तो हटा देना, 16 के बाद के सारे वर्जन सेम है, ठीक है। तो मतलब कोई खास उनकी चेंजिंग्स नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। देख रहे हैं फाइल कितनी हैवी है, इसका मतलब इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इन्होंने किस लेवल पे काम किया होगा। खुल जा भाई, 94% हुआ है, अब खुलेगा। ये इनका प्रोजेक्ट है, देख रहे होंगे आप लोग, काफी शानदार है। अब इसको देखने का पूरा प्रोसेस है कि इसको आपको 3D में देखना चाहिए। देखिए आपके सीनियर्स किस लेवल का काम किए हुए ये सब इंस्केप एक प्लगइन है तो उस पे ये पेड़ लगे हैं तो आपको अभी नहीं दिखेंगे, ये बहुत अच्छे ट्री बना हुए हैं यहाँ पर। और बेसिकली ये होटल है, ठीक है। इसका रेंडर बहुत खतरनाक है और ये तो जस्ट आप अभी देख रहे हैं इस तरीके से, ये होटल है इनका और ये बनाया हुआ है इन्होंने। रेंडर भी अगर सेव किया हो तो आप देख सकते हैं ये है इस तरीके से, रेंडर व्यू इन्होंने सेव नहीं किया है अभी। ये इनका मॉडल है जो कि बहुत शानदार है, जो बहुत बेहतरीन है। चलिए तो मैंने जैसा ऐसे दिखा दिया आपको कि ऐसे ही आपको बनाना है फ्यूचर में। अब आपके कई ढेर सारे प्रश्न एंड उत्तर होंगे। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको ग्रुप के अंदर आ जाएगा गाइस, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हैंड रेस्ट कर लीजिए, एक एक करके बेझिझक सारे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आज कोई क्लास नहीं, आज इंट्रोडक्शन है आपके बारे में, तो आपको जो पूछना हो पूछ सकते हैं अगर इसके बाद कोई डाउट रह गया है तो। चलिए बादशाह खान से स्टार्ट करते हैं भाई। यस बादशाह बताइए। सर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है? थैंक यू सो मच, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछो तो आसान हो जाएगा तुरंत बता। हाँ सर ठीक है। देखिए गाइस, हमको सॉफ्टवेयर को क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है आपको सॉफ्टवेयर? यूनिक्स सिविल की वेबसाइट पर, सॉरी यूनिक्स सिविल वेबसाइट नहीं भाई, www.getintopc.com। याद रखना इसकी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी हैं, तो यही लिखना GETINTO getintopc.com। यहाँ पे जाना है और इस पर सर्च कर, यहाँ पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर AutoCAD 2020। क्या सर्च करिएगा? AutoCAD 2020 और यहाँ पर गो पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, यही पहला वाला ही है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये लिंक आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये डाउनलोड 64 बिट, ठीक है। और उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसका भी वीडियो है, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वीडियो देखना है, वीडियो देख के इंस्टॉल करना है। वीडियो देख के इंस्टॉल करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है अगर आपको, तो आप कल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मॉर्निंग में 9 to 11 के बीच में कांटेक्ट कभी भी कर लेना, तो हम आपको हेल्प भी कर देंगे फॉर क्रैक, फॉर इंस्टॉलेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझसे कल कांटेक्ट कर सकते हो, परसों भी कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली 9 to 11 का जो मेरा टाइम होता है मैं आप लोगों के लिए ही रखता हूँ, तो आपको जो भी कोई क्वेश्चंस रहेगा वो 9 to 11 में आराम से आके पूछ सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं स्क्रीन शेयर करके देख लूंगा, ठीक है। कुल मिला के आपको कल इंस्टॉल ही कर लेना है, इसका ध्यान देना है। और कल नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी टफ रीजन तो आप संडे को तो कर ही लेना, क्योंकि ड्रॉइंग्स तो आपने देख लिया जो आपको बनाना है, और उसके लिए ऑटो कैड तो लगेगा ही लगेगा। और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो है वो PDF के फॉर्म में होगी, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है,
आपको आपको पीडीएफ आ जाएगी, जस्ट एक बार पढ़ लेना है उसको, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कॉलम के बारे में जानते नहीं हो, ऐसा नहीं कि आप बीम के बारे में जानते नहीं, भूल गए हो, तो हमें यहाँ पर चीजों को रिवाइज करना है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का गाइस? कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट है किसी का? कुछ हो निशा कुछ पूछना चाह रही है? यस निशा बताइए। ओके सर, ये असाइनमेंट सबमिट कब तक करना है? ये बिफोर मंडे। ओके ठीक है, मंडे को आपके क्लास से जस्ट पहले ही चेक होंगे आपके असाइनमेंट्स। ठीक है, ये एवरीडे ऐसे ही होता है, क्लास से जस्ट पहले। ओके ओके। नेक्स्ट, और किसी कोई क्वेश्चन है भाई? कोई भी डाउट है पूछ लो, बाद में मत करना सर मेरा ये क्वेश्चन रह गया। और कभी भी क्लास में सर, हाँ जी बोलो, दिलीप कुमार बोलिए, दिलीप बोलिए, हेलो हेलो, यस दिलीप बोलिए। मैं बोल रहा सर, और जो रैपिड है वो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे? वेबसाइट तो यही है, बट अभी मत करो, अभी करोगे ना तो तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो जाएगा। ठीक है, उसका मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं कल आपको उसके लिए भी हेल्प कर दूंगा, उसके लिए भी ना, तो अभी उसको मत डाउनलोड करो, जो सॉफ्टवेयर जब यूज होगा उसी समय करो, उससे क्या होगा तुम्हारा लैपटॉप फास्ट चलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा टेंशन है तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, सौरभ कुमार कुछ पूछना चाह रही है, सौरभ बोलिए। फीस स्लिप की रिसिप्ट चाहिए थी ना, घर पे दिखानी पड़ती है, मतलब कहाँ सबमिट किया ना, तो वो एक्चुअली मेल रिसिप्ट वगैरह ये सब बात अंकित सर से किया करो। ठीक है, फिर भी मैं अंकित, वो समझ गया, उन्होंने मुझे बोला हुआ था। ठीक है, मुझे समय नहीं लगा। ठीक है, तो क्लास रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछो मेरे से, बाकी आप अंकित से चलेगा। और किसी कुछ, ओके, और किसी को कुछ पूछना है? यस सोहेल बताइए, टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? ये जिस टाइमिंग पर आप प्रेजेंट हुए हैं इस धरती पर अभी के लिए, 7 to 8:30 यही टाइमिंग रहेगा। ओके ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है भाई? कोई भी प्रश्न है पूछिए आराम से, बाद में ये ना रह जाए कि यार मेरा कुछ, और कभी भी ये मत सोचना कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे किसी प्रश्न को, लोग नहीं यार, लोग नहीं सोचना है, हमें अपने करियर को बनाना है। आई एम हियर फॉर मेकिंग माई करियर, दैट्स इट। ठीक है, तो आप बेझिझक होके अपने ड्राइंग्स को डेली बनाइएगा, जो गलती होंगे वैसे आज तक नहीं होगी गलती, मुझे पता है बहुत बेसिक ड्राइंग है ये, जो ड्राइंग्स टफ आएंगी वो आएंगी मंडे से। ठीक है, मंडे से थोड़ा सा लेवल आई होगा, उन ड्राइंग्स को बनाने के भी कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई करेंगे गलत, मेरा एक रूल है कि अगर आप गलत ट्राई करके आते हैं तो मैं सही बताऊंगा आपको, अगर आप ट्राई करके नहीं आते तो कोई भी जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है यहाँ पर उनको पता है कि अगर आप गलत ट्राई करके नहीं आएंगे और आपसे पूछेंगे कि सर ये बता दीजिए, मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर आपने उसमें लगे नहीं ना। ठीक है, तो आपको आधा ज़्यादा आइडिया लगा ही नहीं, तो मेरा क्या रहेगा कि आप गलत करके आओ, सही मैं करके दूंगा। ठीक है, कोई भी टास्क, चाहे रैबिट में कुछ नहीं बन रहा है आप गलत करके ले आओ, ऑटोकैड में कुछ नहीं है, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ हमें नहीं बनानी है कि ये वाली ड्राइंग कैसे बनेगी, चलो सर से डायरेक्ट, नहीं है, मेरे से पूछ लोगे तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। ये मैं ऑटोकैड क्यों सिखा रहा हूँ पता है, ऑटोकैड को सिखाने का सिर्फ, ऑटोकैड बीम का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऑटोकैड को सिखाने का सिर्फ इतना सेंस होता है कि हमारा जो ब्रेन है ये डेवलप हो जाए क्रिएटिविटी को लेके। ठीक है, आगे जो ऐसे ड्राइंग्स है इसके अंदर जो बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, यार ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ये डेवलप हो गया ना तो बीम अपने आप, क्योंकि बीम एक क्रिएटिव फील्ड है। ठीक है, और क्रिएटिव फील्ड की क्रिएटिविटी तब आएगी जब आपका ब्रेन उस तरीके से काम करेगा। तो अभी आप वो वर्कबुक में देखिएगा, आगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स हैं और उनको बनाने के लिए बहुत ब्रेन डालना पड़ेगा। ऑटोकैड में जो प्लानिंग होती है तो वो आसान है, हम प्लानिंग का हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा कि वो आपको आता भी होगा, करेंगे फिलहाल हम लोग, लेकिन मेन जो है वो क्रिएटिविटी पर है। ठीक है, चलिए नन्हे कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस बोलिए नन्हे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेस्ट किया आपने? हाँ सर बोलिए। मेरे पास नेक्स्ट वीक तक लैपटॉप नहीं हो पाएगा सर, 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं, लेक्चर्स वॉच करिए, आपको लेक्चर 1 वॉच करना है, कहाँ से वॉच करना बताइए? अच्छा, यूनिक्स विल सर, ऐप से बीआईएम, यस बीआईएम की क्लास में ऑटोकैड क्लास नंबर 1, बस उतना हो जाएगा ना? यस सर, यस सर, बस उतना वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीपीटी भेजूंगा, यस सर, स्ट्रांग करना है ना अपने को। यस सर, यस, तो
रेगुलर बेसिस पे वो आती रहेंगी, हर हफ्ते मतलब कम से कम 2 से 3 PPTs आएंगी जिनको हमको पढ़ते रहना है जिससे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? चलेगा। और गाइस आपको हम फ्राइडे से पहले एचआर के क्वेश्चंस भी दे देंगे, तो एचआर के क्वेश्चन मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्या बोलना है वो भी मैं आपको दे दूंगा। मॉक स्टार्ट करने से पहले आपके पास सब कुछ रहेगा, आप बस पढ़ के रखिएगा, ठीक है? तो वो सब हम दे देंगे। और किसी कोई प्रश्न है भाई? ठीक है, और कोई भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा कि मेरा करियर गैप है, मेरा क्या होगा। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, मेरा काम है आपको जस्ट एक चीज जो मैंने मांगा हुआ है वो आप दे दीजिएगा। वो क्या है एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइए मैंने क्या मांगा हुआ आप लोगों से, एक चीज चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? कमेंट करके बताइए क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिलीप, यस दिलीप बोलिए। सर मेरा 2 साल का करियर गैप है, मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर हुआ था। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा कि करियर में सर? हाँ, 2 साल का करियर मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? 2 साल इज लाइक वेरी लेस टाइम, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो भी तो कभी ना कभी तैयारी किया रहा होगा ना, ठीक है? अब उसको हमें ये दिखाना है कि इस 6 महीने में हमने क्या बेहतरीन किया हुआ है। मतलब जो मैं 6 महीने का सर्टिफिकेट दूंगा आपको, इसमें आपको दिखाना है कि मैं एकदम हार्ड वर्क किया हुआ, ठीक है? तो ये चीज को आप अगर दिखा देंगे और अपने पोर्टफोलियो में आपके वो शो करेगा वो हार्ड वर्क, तो बस हो गया, वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है? और पोर्टफोलियो में नहीं दिखा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, फिर तो स्वाभाविक सी बात है उसका यूज नहीं आएगा, ठीक है? थैंक यू गाइस, आप लोगों को याद है, दैट्स ग्रेट, ठीक है? मुझे बस यही चाहिए जो आप लोगों ने अभी लिखा हुआ है, अटेंडेंस एंड कंसिस्टेंसी। इसके अलावा सारा सफलता का आप इवन आप मुझे ब्लेम भी कर देना कि सर मैं तो पूरा क्लास भी अटेंड किया, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है? कोई एक लड़का मुझे बोला कि सर आप 100% वो मुझे एग्रीमेंट देंगे, एक XYZ इंस्टीट्यूट या फिर जो भी बोलो 2 लाख रुपए ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको 100% जॉब देंगे। हमने कहा अगर पैसे से जॉब लगता तो तुम 2 लाख रुपए खर्च क्यों करोगे, डायरेक्ट जाके उस कंपनी को बोलो कि 2 लाख रुपए लो मुझे जॉब दो, मैं लेके जाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। फिर मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, मैं समझ गया उसकी मेंटेलिटी। मैंने बोला तुम 100% अपना असाइनमेंट्स कर दो, 100% अटेंडेंस कर दो, मेरे से 100% लिखवा लो कि भैया तुम्हारा जॉब लग जाएगा। क्यों, ऐसा अगर कोई होगा जो 100% काम को कर लेगा उसको मेरी तो जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है? क्योंकि उसको जॉब तो ऑटोमेटिक लग जाएगी और इतना वो परफेक्ट होगा कि अगर मैं किसी को बोल भी दूंगा तो रख लेगा, ठीक है? तो आप सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है गाइस। चलिए सिद्धेश्वर कुछ पूछना चाह रहे हैं, सिद्धेश्वर बोलिए। सिद्धेश्वर हेलो सर। यस बोलिए सर, आपके स्ट्रक्चर से बैच कब चालू होने वाली है, मतलब हम ये दोनों बैच तो एक साथ कर सकते हैं क्या? मत करो, एक साथ कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होगा ना कि क्या बोलते हैं इसको करने में 5 घंटे लगेंगे, ठीक है? और आप और क्वालिटी निकालना चाहते हो तो 6-7 घंटे डालो, पहले एक को परफेक्ट कर लो, जब इसका एक लेवल आ जाए तब करना, अभी मत करो, ठीक है? अगर जब भी स्टार्ट होगा हम बता देंगे अगर तुम्हारी करने के लायक रहेगा, अभी करने के लायक नहीं, ठीक है? ओके सर, चलेगा। क्योंकि गाइस हमें अभी फोकस करना है एक पर, करियर पहले बन जाए हमारा, एक हमारे पास जॉब हो तो उस जॉब से हम कुछ नया सीख सकते हैं, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है? लेकिन अब कैसे है कि मैं घर से तो पैसे नहीं मांगूंगा कि घर वाले मुझे पैसे दे तो मुझे सीखना है, नहीं, ठीक है? आप अभी कुछ मत सीखो, आप सिर्फ और सिर्फ अभी सीखो कि यार मुझे बीम में कैसे भी जॉब लेनी है, बीम आर्किटेक्ट, बीम मॉड्यूलर, बीम टेक्नीशियन, 3D मॉड्यूलर की एक प्रोफाइल मेरे पास हो। कौन सी प्रोफाइल में जॉब लगेगी आपकी, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम क्या होता है, मॉड्यूलर का काम क्या होता है, बीम आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, बीम इंजीनियर का काम क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। किसके क्या सैलरी पैकेज होते हैं, किस कंट्री में, सबकी रिसर्च है हमारे पास, कौन कौन सी कंपनियां हैं कहाँ पर, वो भी मैं आपको दूंगा। तो मतलब कुल मिला के मैं आप लोगों से लोकेशन पूछ रहा था ना कि आप कहाँ से हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है पैकेज से लेके। आप अगर मेट्रो सिटीज में है या फिर बड़े शहरों में है तो बीम की जॉब जल्दी लग जाती है गाइस, छोटे शहरों में बीम की जॉब कम है, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप गुड़गांव में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, और मुंबई में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, ठीक है, ऐसे लोकेशंस पे है तो आपकी जॉब फास्ट लगेगी, इसीलिए मैं आप लोगों से लोकेशन पूछ रहा था। निखिल कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस निखिल बोलिए। मिस्टर निखिल हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, अभी जो अपने अभी असाइनमेंट का PDF भेजा है ना सर, करेक्ट,
हाँ सर, तो वो करते वक्त जो यूनिट सेट करना होता है सर, वो क्या होता है एक्चुअली? एमएम मिलीमीटर में ना सर? यस यस अभी एमएम में करना है, आगे जो अभी सिविल ड्राइंग आएगी वो फीट इंचेस में होंगी तो बताऊंगा। सर वो टाइप डेसिमल ही रखना है क्या हाँ आर्किटेक्चर? डेसिमल डेसिमल। डेसिमल हाँ ना, ठीक पहले आप जब लेक्चर वन को वॉच करेंगे ना तो उसमें मैं बता रखा हूँ, ठीक है? तो लेक्चर वन को वॉच करके तब करिएगा। तो जिस भी दिन आपको कुछ करना है टास्क, तो उसका पहले लेक्चर वॉच करके तब टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि लेक्चर में बता रखा लेक्चर हूँ। लेक्चर वन कहाँ पे डालेंगे? लेक्चर वन ऑलरेडी हुआ है आपके ऑटो कैड का, लाइक जो यूनिक्स सिविल ऐप है उसके अंदर स्टोर में चले जाएंगे, बीएम के वीडियो कोर्स में कंटेंट में ऑटो कैड का लेक्चर सर वन वो प्रोग्राम। यूनिक्स सिविल ऐप प्ले हाँ स्टोर पे नहीं मिल रहा है सर? नहीं है तो भाई आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है? अंकित सर का नंबर है, हाँ है सर, हाँ तो लिंक पे भिजवा दे रहा हूँ, आप लिंक से कर लीजिएगा, ठीक है? वो लेक्चर देख के करना है ना सर? ठीक ठीक है, लेक्चर देख के करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है सर, ठीक। ओके जी चलेगा। हम लोग अभी ऑटोकैड का एक लेक्चर हम लोग का होगा ऑलरेडी, हम लोग मंडे को मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा एक लेक्चर, बट वो जो लेक्चर होगा वो जब तब समझ आएगा जब आपका बेसिक का एक लेक्चर आप पढ़ के आए रहेंगे घर से, तो जो मैं मंडे को पढ़ाने वाला हूँ आपको एकदम समझ में आएगा। 30 मिनट्स हम लोग डेली इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद का 30 मिनट्स आपका जो होगा वो होगा आपके जो मैं असाइनमेंट्स होंगे उसको चेक करूंगा, और उसके बाद का लास्ट 30 मिनट जो होगा वो आपका होगा। जितना आप क्वेश्चन पूछना हो आप एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछिए, बट क्वेश्चन पूछने की एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आप घर से करके आएंगे तब पूछेंगे, ठीक है? खुद से मन से क्वेश्चन नहीं बनाना है, एटलीस्ट ड्रॉइंग के लिए, बाकी आप पूछ सकते हैं कैरियर से रिलेटेड बिल्कुल। और अगर आप 4 महीने डेडिकेट करेंगे तो रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, ठीक है? मंडे को याद रखिएगा, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहेगा, और कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिए गाइस, ये आपसे उम्मीद है, ठीक है? यही मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि बाकी मैं करा लूंगा। क्या इंटरव्यू पूछेंगे मैं खुद अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है? और कोई मैं मार्केटिंग वाला इंसान तो हूँ नहीं, मैं तो टीचर हूँ, ठीक है? तो मेरा काम एकदम जो क्लियर है कि जो मैं बता दूंगा वही पूछेंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वही पूछेंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह जाइए कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड पे पढ़ूंगा या वो आएगा कि नहीं आएगा जो सर पढ़ाएंगे, ऐसा कोई डाउट रखिएगा ही मत दिमाग में, क्योंकि अगर आपको पता हो तो अभी भी हमारे पास कम से कम 250 के आसपास बच्चे होंगे जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, उसके अलावा कितने बच्चे सीख चुके होंगे तो आप लोगों को आइडिया ही है, ठीक है? चलिए ठीक है, आपसे मुलाकात करते हैं मंडे को। बेसिक्स का एक बार फिर बता दे रहा हूँ, बेसिक्स को पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स जिसका स्ट्रांग नहीं रहता है गाइस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता इंटरव्यू में, ठीक है? इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के लिए बेसिक्स चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग है क्या पूछेगा कोई इंटरव्यूअर, ठीक है? इसलिए बेसिक्स को थोड़ा 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 करके पढ़िए। ऑटोकैड जब चलता रहेगा तब तक बेसिक्स करा देंगे, उसके बाद जब रेविट चलेगा तो बीम का बेसिक्स करा देंगे, तो इस तरीके से आपका पूरा ओवरऑल बेसिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है? होप किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अगर है तो पूछ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे किसी का क्वेश्चन रह ना जाए, है क्या किसी का? चलो ठीक है जी, फिर मुलाकात किया जाए आपसे मंडे को मॉर्निंग 7 AM पर, सेम टाइम पर आप आएंगे एकदम बढ़िया फ्रेश माइंड से, सुबह सुबह डेली अपने अंदर नॉलेज एंड करेंगे। और मैं आपको अभी क्या बोलते हैं ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का लिंक दे दे रहा हूँ, PDF दे दे रहा हूँ, और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग दे दे रहा हूँ जो आपके ग्रुप में हमेशा आएगा, ठीक है? तो ग्रुप में एक्टिवेट रहिएगा अपने आप को, जैसे कि कोई मैसेज आए, और ग्रुप में कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज मत करना, लाइक गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, कोई भी फेस्टिवल हो वो ग्रुप में मत करिएगा। रीजन ये रहता है, मतलब मुझे करने में कोई परहेज नहीं है, परहेज ये है कि जैसे मैंने कोई मैसेज डाला कि ये पढ़ना है, उसी में 10 मैसेज चले गए गुड मॉर्निंग के, तो क्या हो जाएगा, वो जो मैंने इंपॉर्टेंट मैसेज डाला था वो तो ऊपर चला गया। अब कोई ऊपर नहीं गया तो उसको पता नहीं चलेगा आज का टास्क क्या है ना? तो आपके बेहतर के लिए बोल रहा हूँ कि आप, और प्लस प्लस आप जैसे कि कोई स्टडी मटेरियल सर्च करना है आपको कहाँ पर रखा हुआ, चलो ग्रुप में होगा, अब ग्रुप में इतने ढेर सारे अगर चैट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप चैट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप चैट करिए, चैट ये करिए कि ड्राइंग नहीं बन रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चैट करिए, ठीक है? क्वेश्चन अपने पूछिए कुल मिला के, बेसिकली मैं नहीं तो कोई और बता देगा, या फिर मैं बताऊंगा, या फिर आपके ही कोई दोस्त बता सकते हैं, कोई भी आंसर कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में जो हमारा समय जाएगा उस ऐप में, और दूसरी चीज ऊपर इतने ढेर सारे मैसेज हो जाएंगे, उससे बचिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, फिर हम लोग मंडे को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नितिन बोलिए। छुट्टी नितिन है? नितिन हेलो आप? सर, यस नितिन,
सर मैं पूछ रहा हूँ आपके उधर गर्मी हो रही है? हाँ यार गर्मी दिल्ली तो में है तो बहुत ठंड हो रही है सर, ये, देखो ना मैं कैसे बैठा हूँ वही तो मैं देख रहा हूँ बहुत देर से सर। हम तो रजाई में है, यहाँ पे दिल्ली में बहुत ठंड है सर। मैं चेयर पे बैठा हूँ और हाँ मैं ये जी टी शर्ट पहना हूँ, नीचे हाफ लोअर पहना हाँ जी, बताओ यहाँ तो निकला ही नहीं जा रहा है जो हूँ गर्मी बाहर। नहीं, मतलब कैसे होता है ना, यहाँ पर भी है ठंड बट हाँ कैसे जी है कि अभी हम तो नॉर्थ के लोग हैं, ठीक हाँ है, जी हाँ जी तो हमने तो ठंडी झेली हुई है वो 3 डिग्री 4 डिग्री वाली, हाँ तो जी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 18-18 के आसपास है, जो हमें पता ही नहीं हाँ चलता, जी वही तो सर, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है सर। हाँ हमने माइनस का भी डिग्री झेला हुआ है, ठीक है, दिल्ली जी में, और कभी कभी तो 1-0 का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो मुझे पुणे का हाँ ठंड जी ठंड नहीं लगता, उसका विशेष कारण ये है कि हमने ठंड बहुत झेल रखा है, और क्या बोलते हैं पुणे का बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है, हाँ इवन जी पुणे में एक और बेनिफिट है कि पुणे में गर्मी भी नहीं लगती, क्यों, यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर 30 जाएगा, बहुत कभी गया अच्छा तो 32, अपन 47-48 झेल चुके हैं, ठीक है, तो हमें को कैसा था, शरीर को जब आप ज्यादा तपा दे ना तो फिर वो सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती है, ये था सर। बट अब जैसे भी मैं घर गया था रिसेंटली तो मुझे ठंड लग गई, ठंड लगने का मेन कारण पता है क्या, अभी मैं यहाँ के हिसाब से क्लोथ पहना था और वहाँ का हाँ टेम्परेचर टेम्परेचर था, सुबह सुबह मैंने बुलेट चला दी बिना हेलमेट के, और जी लगभग 70 किलोमीटर मुझे एक शादी में जाना था, वहाँ से 70 किलोमीटर ठंड 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 15 दिन तक वो बूस्ट करने में लगा वो, तो कुल मिला के वहाँ की ठंडी जी अलग है वो मुझे पता है, ठीक है, होता लेकिन रजाई में सोना मत, बस इतना ध्यान देना, ठीक है, जी लेकिन लेकिन नींद जो होती है ना वो उसी ठंड में बहुत ज़्यादा आती है, हाँ और जी तीन दिन एक होता चीज़ और होता है ना, तीन की मैंने जो ऑब्जर्व किया होगा कि 3-2 महीने लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है उस ठंडी के हाँ टाइम जी पे, ठीक है, लोग क्या आलसी आलसी हो जाते हैं, हो जाते है ना, कि क्या बोलते हैं, और वो हर जगह का टेम्परेचर, जैसे कि पुणे के जो लोकल लाइक सिटीजन है उनको वो टेम्परेचर सफिशियंट लगेगा, है ना, तो हैं। उनको भी सेम प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे रात कब उठ रहे हैं सुबह कब उठ रहे हैं हम लोग को आइडिया नहीं होता है, तो हमारा टाइम जाता है, तो प्रयास ये करना कि हमें रजाई से बाहर जाना है तो बेटर रहेगा, नहीं तो हाँ फिर आलस में सो गए तो दिक्कत हो जाएगी, जी सर चलो कुल मिला के पुणे का टेम्परेचर गाइस बहुत अच्छा है, ठीक है, बैंगलोर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मुंबई में तो अभी मेरा एक दोस्त है वो कल फोन किया था, लॉयर है, तो बताया कि मैं छत पे घूम रहा हूँ, ठीक है, और गर्मी की वजह से छत पे घूम रहा हूँ, तो मुंबई का आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है इसकी वजह से ये मुंबई में ऐसा होता है, तो है ऐसे कई जगहों पे इंडिया में है जहाँ पर आप ठंडी में अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आपको पलायन करते रहना चाहिए, आपको ऐसा कोई जॉब मिल जाए जो कि वर्क फ्रॉम होम टाइप का हो, और बीएम के अंदर ये पॉसिबल है गाइस, बीएम के अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, ये फिक्स है, ठीक है, मिलता है ये भी फिक्स है, इवन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप अगर कभी फ्यूचर में चाहो तो कहीं पर भी बैठे हुए हो वर्क फ्रॉम होम में आप ऑनलाइन काम लीजिए, फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घर पे बैठ के आप काम लीजिए, अब ये नहीं कि आप सभी लोग वही करिए, वो डिपेंड करता है सबके अपने कंडीशंस पे, आप घर पे बैठ के काम लीजिए, घर पे बैठ के कंप्लीट करिए उसको सबमिट कर दीजिए, और डॉलर में पैसे कमाएंगे, कैसे कमाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, 3 दिन की अपनी क्लास होगी फ्रीलांसिंग की, अभी नहीं अभी समय है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब मेरा खुद का काम पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम होम बेसिस पर है, ठीक है, और अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं तो ऑनलाइन लेते हैं, अभी मुझे पूरा हर एक मतलब प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड हर एक चीज़ों का वो है, कंपनी कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हम प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, ये पार्ट भी मैं आपके सिलेबस में ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सिलेबस पर ज़्यादा बिलीव नहीं होता, मुझे लगता है आपको सिखाने के लिए आया है, तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, अपनी कंपनी कैसे खोलेंगे, लाइसेंस कैसे बनवाएंगे, सब बताऊंगा आपको, बस जो बोला है आपको एक ही चीज करते रहिएगा, आज जैसे आप लोगों ने अटेंडेंस मेंटेन किया है ना, 30 मतलब 29 पर है ना आप, एक ही लोग कोई एबसेंट हुए हैं या फिर लेफ्ट किए होंगे, तो आप ये 30 मतलब 30 रहिएगा, ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड होंगे जिनके ऑटोकैड लास्ट बैच में कैसे कभी कभी कोई लेट ज्वाइन किया है, तो लोग ऑटोकैड कवर करने के लिए आएंगे, बट आप लोग जो न्यू लोग हैं रेगुलर रहिएगा, यस निशा बताइए, हेलो सर, एक्चुअली ये मतलब क्लास से रिलेटेड नहीं था, आपने भी हाँ बोला हाँ ना कि जैसे फ्रीलांसिंग करो या घर से काम करो, मेरे को आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, मैं घर 1 या 2 दिन के लिए गई हूँ, जो कि मैंने बताया मैं झारखंड से हूँ और मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो फादर का हमेशा कंप्लेन रहता है कि घर आओ या फिर मतलब यहीं क्यों नहीं जॉब ढूंढ लेते, मेरे पिताजी जो है ना वो कॉन्ट्रेक्टर है एग्रीगेट के,
तो चूंकि पाकुड़ है ना, वहाँ लाइट वेट एग्रीगेट के लिए काफी फेमस है, तो फादर का कहना है कि यहीं पे आके कुछ कर लो समथिंग। तो आपने जैसे बोला ना, तो एक होता कि मन की बात आपने बोल दी, तो हाँ शायद ये शायद काश मतलब पॉसिबल हो जाए तो पापा की जो कंप्लेन है वो भी ना आए और एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी हो जाए। नहीं, ये पॉसिबल पूरी तरीके से पॉसिबल है निशा। इसके लिए बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि उनको ये महसूस, फिलहाल तो आप क्या बोलते हैं, फादर के भी बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, बट मैं नहीं बोलूंगा फादर का करो, आप खुद का करो, ठीक है। यस सर, मैं खुद का ही करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बट वो मतलब सिविल से बिलोंग कर रहे हैं वो, तो मतलब एक सिविल ही होता है। आप सिविल से ही कर सकते हो। अभी जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं, हमारा जो फॉर्म है हम लोग कैसे करते हैं, बेसिकली मैं खुद प्रोजेक्ट्स नहीं करता हूँ, पहले करता था, बट अभी हम खुद का प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि आप इंडिया मार्ट का नाम सुने होंगे, जस्ट डायल, उसके थ्रू हमारे पास काम आते हैं, काम जो आते हैं वो काम आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, किसी एक्स वाई जेड कंपनी को। अब मैं नाम सबका लीक नहीं कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बीच के पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कोई और कर रहा है, प्रोजेक्ट किसी और का है, हम सिर्फ इमेडिएटर हैं उनकी हेल्प के लिए और प्रोजेक्ट की गलतियों को चेक करने के लिए, बट उसके बेसिस पर मुझे 50% का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के अंदर ही, ऑलरेडी बिल्कुल आप सिविल का कवर कर सकते हैं। मैं खुद भी सीमेंट की सप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे वो भी आता है, मटेरियल सप्लाई भी, बट मटेरियल सप्लाई अभी मत करिए, तो कभी भी कर सर सकते हो। मटेरियल सप्लाई तो नहीं करना है हाँ, एक्चुअली, मुझे अपनी करियर तो इसी में बीम में ही करना है। यस, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग से मैं इसी में ही कंटिन्यू रहना चाहती हूँ। वो तो बिल्कुल बस मैंने बिल्कुल, बताया कि फादर क्या सोचते हैं मेरे। हाँ, नहीं, सोचना भी चाहिए। हम लोग खुद, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी जॉब हो, क्योंकि अभी मुझे घर भी जाना होता है, तो हम वहाँ पर भी काम कर सके, यहाँ हूँ तो यहाँ भी काम कर सके, तो हमें या बस यही वो चाहिए था कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अभी घर जाके भी काम हो सके, पापा के सामने बैठ के काम कर रहे हो तो बस उनको तो वही चाहिए होता है ना। बिल्कुल, वो उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, आप अगर ऑफिस से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक अगर जैसे कि फैमिली अगर हमारे लिए बहुत, हमारा भी उनके साथ रहना इम्पोर्टेंट है, तो आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा वो सब कैसे करना है, ठीक है। ओके सर, ओके जी, चलिए, कोई किसी और का कोई कोई प्रश्न है क्या? दिलीप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस दिलीप, बोलिए। सर क्लास टाइम हो रहेगा हाँ मॉर्निंग में? क्लास, हाँ मॉर्निंग में 7 to 8:30 आपका क्लास टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये ओके बहुत सर, बढ़िया टाइमिंग है अपने लेजीनेस को खत्म करने के लिए, ठीक है। और अब देखिए ना, यस मैं सर। एकदम एक्टिवेट होगा सुबह सुबह 7 बजे, ठीक। अब मेरा पूरा दिन जो सर है मैं वो आज पहली इसमें, बार 7 से पहले उठ गया, पहली बार आज। ठीक है, और उठ गए ना, क्योंकि माइंड पर एक क्वेश्चन रहा होगा कि यार 7 बजे क्लास यस सर, है ना। और मैं, मेरी लास्ट क्लास कितने बजे होती है शायद तुमको नहीं पता होगा, कई लोगों को पता होगा, लास्ट क्लास मेरी होती है 12 बजे खत्म, ठीक है। 12 बजे मेरी लास्ट क्लास खत्म होती है, मतलब उसका 11:30 तक टाइमिंग है, बट क्वेश्चन पूछते पूछते 12 बज ही जाता है, और उसके बाद फिर मैं डिनर करता हूँ। अब समझ लीजिए मैं डिनर कितने बजे करता हूँ, और फिर सुबह 7 बजे मैं आपके सामने हूँ, और ये रेगुलर रहेगा ये चीज, ठीक है। तो अपने टाइम को ना, अपने कंफर्ट जोन को हटाना पड़ता है, बोलो, यस यस सर। ठीक है। सर आप, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ आपके बात में, कि हाँ आप देवाशीष बोला था मेरे बाप के हाँ बारे में, तब मैं करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, अगर मैं खुद अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अगर नहीं बना रहा हूँ टू डू लिस्ट, मैं तुमसे कैसे बोल सकता हूँ? मैं कभी नहीं बोलूंगा। मेरी एक हैबिट है कि जो मैंने फ्रीलांसिंग खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा, अगर मैं नहीं करता तो मैं नहीं सिखाता हूँ। मेरी एक हैबिट रहेगी और हमेशा ये रहेगा, मैं आपको अगर बोलूंगा कि सुबह उठिए, तो पहले मैं उठना स्टार्ट करूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा आप जिम करिए, क्योंकि मेरे पास जिम करने के लिए समय नहीं है, प्लस मुझे डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है, तो फिर मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द एडवाइस कि आप जिम करिए। हाँ, डाइट मैं अच्छा करता हूँ, मैं बता सकता हूँ। कुल मिला के जो करना है, जो करते हैं वही बताना चाहिए, तो बेटर रहता है, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग मंडे को मुलाकात करते हैं, मैं आपको ग्रुप में सारा कुछ भेज दे रहा हूँ।